हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेंडिंग टेक न्यूज़ में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सैमसंग ने 2019 में अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं, जिसमें मेजरली उनके डिज़ाइन, डिस्प्ले और उनका जो परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी चेंज किया है, काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया के जो उनके हेडक्वार्टर्स है वहाँ से कुछ लीक्स देखने को मिली है, और जिसमें ये कंफर्म हुआ है कि S11 जो सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ में लॉन्च हो रहा है, S11 उसका अभी हाल ही में वीडियोस कुछ लीक हुए हैं जो कि मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा सैमसंग S11 जो मार्केट में लेके आ रहे हैं 108 मेगापिक्सल के साथ, जो कि सैमसंग की पहली डिवाइस रहेगी 108 मेगापिक्सल के साथ। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यही सेम सेंसर का जो कैमरा है अभी रिसेंटली मी मिक्स अल्फ़ा यूज़ कर रहा है, जो कि Xiaomi का स्मार्टफोन है और ये सैमसंग ने ही डेवलप किया है, सैमसंग ने ही बनाया है। सैमसंग का ये जो कैमरा अभी रिसेंटली 108 मेगापिक्सल का फ़ोन S11 में यूज़ करने जा रहे हैं, उसमें जो है वो इलेक्ट्रो मैकेनिज़म का जो यूज़ है वो करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा इसमें हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था मी मैक्स अल्फ़ा के ऊपर, जिसमें मैंने आपको कैमरा के कुछ सैम्पल्स पिक्चर्स दिखाए थे। आप देख सकते हैं उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, उसकी डिटेल्ड है पिक्चर्स की, वो काफ़ी हद तक काफ़ी ब्राइट और बिल्कुल क्लियर दिखती हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो सेंसर यूज़ हो रहा है वो बहुत ही अच्छे सेंसर्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स की क्वालिटी का कंपैरिजन किया है iPhone 11 Pro के साथ और जो S11 की पिक्चर क्वालिटी है उसके साथ। तो सीधे सीधे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी S11 की जो डायरेक्ट टक्कर होगी वो iPhone 11 और P30 Pro के साथ रहेगी, और थर्ड जो इसका अपोनेंट रहता है वो Google का फ़ोन भी है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में जो सैमसंग गैलेक्सी S11 है इसके जो लॉन्च की अपडेट है वो अवेलेबल रहेगा एंड्रॉयड बीटा 10 के साथ, और इसमें आपको फिंगर सेंसिंग कैमरा के साथ जो सेंसिंग एरिया रहता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा वाइड मिलेगा। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में जो इसका सेंसिंग एरिया था वो 36 mm था, जो कि हाल ही में बढ़ा करके सैमसंग गैलेक्सी S11 में 64 mm कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे आप का जो सेंसिंग एरिया है स्क्रीन का वो बढ़ जाता है, जिससे आप ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा फास्ट अपनी फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी सैमसंग फ़ोन को स्नैपड्रैगन 850 प्रोसेसर के साथ लॉन्च करने वाला है, जो कि 5G प्रोसेसर रहेगा, और ये आने वाले टाइम में सैमसंग का S11 फ़ोन जो है और S11 प्रो फ़ोन जो है वो 108 मेगापिक्सल के साथ मार्केट में अवेलेबल रहेगा, जो कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी देने वाला है। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये डायरेक्ट कंपटीशन करेगा iPhone, Google Pixel और Huawei के P30 Pro के साथ। फ्रेंड्स, आप को इसके अलावा बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं Note 10 में आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिले थे, जिसमें आपको मेन फीचर था उनका कैमरा की स्टेबिलिटी, जो कि वीडियो को काफ़ी हद तक एक मूविंग ट्रैक पर जब हम चलते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी रहती है उसको वो काफ़ी स्ट्रीम रखता है, तो ये मेन फीचर इसका कैमरे में रहेगा। और फ्रेंड, बताना चाहूँगा, जैसा कि आप पहले भी जानते थे कि सैमसंग ने लॉन्च किया था अपना नोट 3 और नोट 3 नियो, जिसमें उन्होंने नोट 3 में सेम फीचर दिए थे और वही बाद में उन्होंने नोट 3 के साथ लॉन्च किया था। तो हाल ही में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है ये सैमसंग का गैलेक्सी S11 लॉन्च करे और उसको अपग्रेड करके S11 प्रो के साथ लॉन्च करे, जिसमें आपको नाइट विजन कैमरा मोड देखने को मिलेगा, विच इज़ क्विट बेटर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।